हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कम समय और कम सामान में बनके तैयार होगी, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 10 से 12 सोयाबीन। सोयाबीन को अच्छे से हमने भिगो के रख लिया है। यहीं पे डाल देते हैं 8-10 कली लहसुन, 2-3 हरी मिर्ची को काट के, 1 कटोरी भर के धनिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, इसी तरह से दरदरा पीस के रख लिया है। तो चलिए इसे अब एक बाउल में हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता कुछ खास होने वाला है, बहुत ही टेस्टी, चटपटा और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक पीस आलू को इस तरह से छील के ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है और इसे हमने पानी में भिगो दिया था। अब एक कप डाल देते हैं यहीं पे चावल का आटा और पानी डाल के इसे अच्छे से हमें घोल बना लेना है। तो इसे हमें बहुत ही पतला घोल नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कटोरी पानी डाल दिया है। अभी ये सूखा लग रहा है, चावल आटा होने के कारण थोड़ा सा पानी ये ज़्यादा ही लेता है। अब यहाँ पे हमने फिर से पानी लिया है और आधी कटोरी पानी को डाल के इस तरह से हमें अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो अगर आप सोयाबीन को नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन चावल आटा और सोयाबीन आलू के साथ इस नाश्ता का अलग ही टेक्सचर रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हमें थोड़ा सा पानी और लगा है, यानी कि एक कटोरी चावल के आटा में यहाँ पे 2 कटोरी पानी पूरा का पूरा लग गया है। और इस तरह से फेंट के इसे हम छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने ले लिया है पैन। पैन में डाल देना है 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद यहीं पे डाल देना है 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा। दोनों को अच्छे से यहाँ पे हमें क्रकल कर लेना है। तो जैसे ही राई और जीरा चटक गया है, इसी स्टेप पे हमें डाल देना है जो हमने बैटर बना के रखा है ना, उस बैटर को यहाँ पे डाल देना है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी आप भी इस नाश्ते को बना के खाइए और खिलाइए, बहुत ही सभी को अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है। तो लगातार इसे हमें चलाते रहना है। 2-3 मिनट के बाद ये धीरे धीरे सूखने लगेगा, यानी कि पकने लगेगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे सूखा होने लगा है। आप चाहे तो इस चावल के आटा की जगह पे सूजी से भी बना सकते हैं इस नाश्ते को। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे डो के फॉर्म में आ रहा है। ये चावल आटा है तो बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। अब इस तरह से हम इसे बना के छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हाथ को थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, इससे क्या होता है हाथ में चिपकेगा नहीं। और इस तरह से पोषण को उठाएंगे और इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो इस तरह से एक कोई चीज़ ले लें जिस गोल टाइप का और इस तरह से आप इसे होल्ड कर दें। तो सभी को हमने यहाँ पे बना के रख लिया है। अब अच्छे से तेल को गर्म कर लिया है। पैन में तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही इस नाश्ते को डालें, लो फ्लेम पे मत डालें। हाई फ्लेम पे हमने यहाँ पे सभी को इस तरह से डाल के छोड़ देना है। तो जैसे ही आप डालेंगे ये थोड़ा सा मुलायम होने लगता है और फिर बाद में ये हार्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब इसे थोड़े से हम पलट देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इस तरह से दोनों साइड से पलट देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस नाश्ते की सबसे ख़ास बात है, आप इसे ठंडा होने के बाद भी खाएंगे ना तो क्रिस्पी लगेगा। तो इस तरह से पलट देते हैं दोनों साइड, इस तरह से गोल्डन ब्राउन तक इसे सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो इस नाश्ते को आपको बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ना ही तो कोई झंझट है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक छन्नी में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। चावल आटा होने के कारण बिल्कुल भी तेल को नहीं एब्जॉर्ब करता है, कम तेल में ही सिक जाता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लुक आया है और खाने में बहुत ही चटपटा बना था। तो इस नाश्ते को आप बनाएं और खाएं, बताएं अपनी राय कैसी बनी थी। तो मैं यहाँ पे दही के साथ सर्व करी हूँ और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बना था। देखने में खुद लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी बना था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।